अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैज़ान अली फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड माय टॉपिक इज़ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ अमंग द लीस्ट डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। द सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम विच लास्टेड अंटिल 1947। द कॉलोनियल सिस्टम वॉज मीन टू एजुकेट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टू रन द गवर्नमेंट। इस पैराग्राफ से हम इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, जो ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट किया था पाकिस्तान के बनने से पहले, वही सिस्टम आज भी हमारे पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है। ब्रिटिश ने तो इस वजह से उनको लोगों को अपनी ज़ुबान सिखाई दी था कि वो अपने इदारे में रख सकें और उनको अपने इदारे में रख सकें और उनकी जो गवर्नमेंट है वो फ्लुएंटली रन हो। लेकिन आज भी हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हीं लॉज को फॉलो करते हैं और उन्हीं सिस्टम को फॉलो करके उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश वेस्टर्न करिकुलम वही सिखाया जा रहा है। हमें भी थ्री टाइप्स हैं एजुकेशन के, फॉर्मल, इनफॉर्मल और रिलीजियस। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन जो आपको एक कमरे में दी जाती है, लाइक स्कूल हो गया, एक रूम होता है, मखसूस जगह जिसे कहते हैं, एक मखसूस जगह होती है, आपको उधर वो एजुकेशन मिलेगी। स्कूल, कॉलेजेस, जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। इसकी शेड्यूल फ़ीस होती है, इसके टीचर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इसकी मतलब जो सब कुछ होता है, क्लासेस होते हैं वो प्री प्लान्ड होता है। इस तरह आज हम तालीम लेते हैं, जैसे क्लासेस होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, ये फॉर्मल एजुकेशन है। प्री प्लान, फ़ीस देनी पड़ती है इसकी, मंथली, ईयरली, जो भी है, तो ये होती है फॉर्मल एजुकेशन। इसमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है, मैट्रिक के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एफएससी के बाद आप सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आप अगर आगे पढ़ना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं उसके बिना पर। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ एजुकेशन जो आप मतलब फॉर्मल के फुल उलट है, जैसे कह सकते हैं हम। इनफॉर्मल एजुकेशन है, डेफिनेट सिलेबस नहीं होता, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते, प्री प्लान नहीं होता, सर्टिफिकेशन नहीं होती, इसकी फ़ीस नहीं होती। ये आपको कहीं से भी मिल सकती है एजुकेशन, लाइक आपका फादर आपको अगर नसीहत कर रहा है, दिस इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर आपका क्लासमेट आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा है या कोई थ्योरी समझा रहा है, तो दिस इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। ना वो क्लासमेट आपका टीचर है, ना आपने उसको फ़ीस देनी है, ना उसने आपको सर्टिफिकेट देना है। कमिंग टू वर्ड रिलीजियस एजुकेशन, ये मोस्टली प्रेफर की जाती है वालदैन की तरफ से इन रूरल एरियाज, देहात में, कहता है कि उनके बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों एजुकेशन हासिल करें। मदरसा में ऐसा होता है कि सुबह आपको दुनियावी काम कराया जाता है और असर के टाइम आपको दीनी, कुरान मजीद की और दीनी तालीमात दी जाती हैं, तो ये मोस्टली देहात की साइड पर होता है। सॉरी, एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स। तो पाकिस्तान की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 2,70,885 है और इसमें 40,926,661 स्टूडेंट्स हैं, जिनको 1,507,100 टीचर्स पढ़ाते हैं। इनमें 194,151 पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और 76,674 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो इंस्टीट्यूशन जो हमारा जो परसेंटेज है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 28% है और जो 72% है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। रूरल एरियाज़ में मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, उनकी फ़ीस भी थोड़ी कम होती है ताकि लोग अफोर्ड भी कर सकें, तो रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और जो प्राइवेट एरियाज़ हैं, जो ये जो अर्बन एरिया, सॉरी, यहाँ पे लोग प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी, उसके बाद मिडिल, फिर हाई सेकेंडरी, फिर यूनिवर्सिटी। और ये ग्राफ शो कर रहे हैं हमें एज, ग्रेड राइट साइड पे, एज लेफ्ट साइड पे, तो इस तरह के बाद प्री स्कूल के बाद प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। इसमें ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको मैट्रिक के इम्तहान देने हैं तो आपकी एज कम से कम 14 साल होने चाहिए, और अगर हाई सेकेंडरी के बाद यानी एफएससी के बाद अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई करना है, लाइक फॉर जॉब, लाइक पीएमए वगैरह में अप्लाई करना है, तो आपकी एज 21 से कम होनी चाहिए। इनरोलमेंट्स, टीचर्स, लेफ़्ट साइड पे आपको टीचर की तादाद दिखाई जा रही है और राइट साइड पे जो आपके स्टूडेंट्स की तादाद दिखाई जा रही है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब ये बनता है कि एक टीचर है 26 स्टूडेंट्स के, लेकिन हमारी क्लासेस में 40-50 स्टूडेंट्स ही आम बात है। तो आगे चलते हैं, लिटरेसी रेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो अगर हम देखें तो मज़े की बात यह है कि करंटली जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो 58% है, और 1951 पाकिस्तान का जो
लिटरेसी रेट था 20% था, और इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो भी 20% था। आज इंडिया का लिटरेसी रेट 71% है और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 58% है। देखा जा रहा है कि थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें दिखाया जा रहा है कि 96% इस्लामाबाद में लिटरेसी रेट और 25% कोहलू डेजर्ट जो कि बलूचिस्तान में। तो ये डिपेंड करता है लोगों के माइंड सेट पर, और जेंडर गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लिटरेसी रेट देखें, अब ये ग्राफ है हमारा, तो इसमें सबसे कम रेशो हमारे पास फीमेल के लिए है। जेंडर गैप की बात होगी ना कि मतलब मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते, घर वालों अलाउ नहीं करते लड़कियों को कि वो तालीम हासिल करें, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। ये प्रॉब्लम्स है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, लोगों को लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, एक्सपेंसिव एजुकेशन यस। कुछ गरीब लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को तालीम देते ही नहीं है, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं जिसमें तालीम ना देने के बराबर होती है। जेंडर गैप हो गया, डायरेक्शनल एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन दी जाती है जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है वो पढ़ाया जा रहा है। लैक ऑफ फंड्स हो गया, मतलब हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इतने नहीं है, जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जितना लोग पढ़ने चाहते हैं उतना हमारे पास फैसिलिटीज़ और जैसे कह सकते हैं ना कि मौके नहीं है हमारे पास। और ये बात, ग्रेड्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, ग्रेड्स को जो है नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये सॉल्यूशंस है हमारे पास। मोर फंडिंग शुड बी एडेड बाय लोकल गवर्नमेंट टू बिल्ड न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मोटिवेटिंग द चिल्ड्रंस, मेकिंग एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ये पॉइंट ज़रूरी है। स्ट्रेस अपॉन पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्कूलिंग, जी हाँ, जो जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं फिर बेफिक्र हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, ज़रूरी है कि पेरेंट्स के ऊपर भी ये बात स्ट्रेस कर देनी चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन है और आपने भी ख्याल करना है। एजुकेशन देनी चाहिए, फ्री एजुकेशन टू नीडी, यस। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो फ्री एजुकेशन देते हैं नीडी लोगों को। फेवरिंग नॉलेज ओवर ग्रेड्स, यस, और बेटर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, टीचर्स का रिलेशनशिप अच्छा होगा स्टूडेंट्स के साथ तो बच्चे खुद ही इंटरेस्ट लेंगे और वो चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे। कंक्लूजन पे आते हैं, तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो अगर हम देखें जाए तो इस तरह हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बेहतर किया जा सकता है, और स्टूडेंट्स की जो है मैंटेलिटी और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा किया जा सकता है। बच्चे को फेवर करना, उसको ग्रेड्स के बजाय उसकी नॉलेज पर जज करना और उसको मोटिवेट करना, उससे बच्चे की ग्रूमिंग होती है और बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा।